वेलकम टू स्पेल आउट की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2014 में रिलीज हुई द जज मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है शिकागो सिटी से, जहां पर कि हमें इस मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर होते हैं, जो कि इस मूवी में हैंक पाल्मर हैं और वो एक डिफेंडिंग लॉयर हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहां पर कि हैंक को हियरिंग के दौरान एक कॉल आती है, जहां पर कि उसे पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हैंक जज से वहाँ पर दूसरी डेट लेता है अपने केस की, और जिसके बाद जज उस केस के लिए न्यू डेट दे देता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैंक के घर पर, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है हैंक की एक डॉटर है, और साथ ही दिखाया जाता है हैंक की जो वाइफ है उसके साथ हैंक के रिलेशन अच्छे नहीं, और इस रीजन से हैंक और उसकी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है। उसके अगले ही सीन में हैंक अपने होम टाउन इंडियाना पहुँच जाता है और अपने मदर के फ्यूनरल में जाता है। और उसके बाद हैंक अपने बड़े भाई क्लैन से मिलकर वहाँ की लोकल कोर्ट में जाता है, जहाँ के जज उसके फादर हैं, जो कि जोसेफ पाल्मर हैं। और उस हियरिंग के फिनिश होने के बाद जो जज रहते हैं, यानी जोसेफ पाल्मर, वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर हैंक को देखते हैं और रिलीफ फील करते हैं। और जिसके बाद हमें पता चलता है जो जज हैं यानी जोसेफ पाल्मर, उनके हैंक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ही घर पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो हैंक था वो अपने रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके रूम को स्टोर रूम बना दिया गया है और उसके रुकने के लिए भी वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है, और जिसे देखकर हैंक काफ़ी अपसेट होता है। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो सारे फैमिली के मेम्बर हैं वो वहाँ के एक लोकल होटल में डिनर के लिए गए होते हैं, जहाँ पर कि हैंक लेट पहुँचता है। और जिसके बाद हैंक को देखने के बाद उसके जो फैमिली मेम्बर थे वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद क्लियर हो जाता है कि हैंक के फैमिली मेम्बर को हैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हैंक को उनमें कोई इंटरेस्ट है। और जिसके बाद हैंक वहाँ पर डिनर कर ही रहा होता है, उसके बाद उसे अपनी हाई स्कूल की क्लासमेट समानता दिखती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हैंक उसे देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड है और वहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन होती है। जिसके बाद हमें एक नाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हैंक और उसके ब्रदर्स वहाँ पर बालकनी में बैठे होते हैं, और तभी उनके फादर यानी जज वहाँ पर आकर उनसे कहते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं, और साथ ही हैंक से कहते हैं कि उसकी मदर का फ्यूनरल हो चुका है, वो अपने घर वापस जा सकता है। और ये सब सुनकर जो हैंक था वो अपसेट हो जाता है, और उसका जो बड़ा भाई रहता है ग्लैन वो उसे एक बार में ड्रिंक के लिए ले जाता है। और जिसके अगले दिन हम हैंक को देखते हैं, वो गैराज में रहता है, और जैसे ही गैराज को खोलता है तो वहाँ पर जो कार रहती है वो डैमेज होती है। जिसके बाद हैंक सोचता है कि उसके फादर उस कार को एक्सीडेंटली कहीं से डैमेज करके ले आए हैं, जिसके बाद वो तीनों ही भाई उस कार को ठीक करने लगते हैं वहाँ पर। और जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जज है वो बाहर आकर उन तीनों से ही कहता है कि मेरी कार को किसने डैमेज करा। और जिसके बाद हैंक अपने फादर से कहता है कि आप ओल्ड हो चुके हैं, जिस वजह से आपको ही याद दी है कि आप अपनी कार को बाहर ले गए थे कल। और जिसके बाद जज भी हैंक को बुरा भला कहता है, और उसके बाद हैंक वहाँ पर कहकर चला जाता है कि वो अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा। जिसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं जो हैंक है वो शिकागो की फ़्लाइट में बैठ जाता है। और जिसके बाद हैंक फ्लाइट में बैठा ही होता है, तभी उसको उसके बड़े भाई का कॉल आता है और वो बताता है कि उसके फादर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। वो बताता है कि पुलिस वालों को लगता है कि उसके फादर ने किसी को मारा है। और उसके बाद हैंक पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके फादर से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और उसके बाद हम देखते हैं हैंक वहाँ पर आकर अपने फादर की हेल्प करना चाहता है, पर जो उसके फादर थे वो उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते थे। और उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो हैंक के पास आकर कहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, और जिसके बाद वो हैंक के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं, पर हैंक अपने फादर की बेल करवा लेता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो तीनों भाई कार में जा ही रहे होते हैं, जिसके बाद वो क्लैन से पूछते हैं कि विक्टिम है कौन, जिसके बाद क्लैन बताता है कि विक्टिम मार्क है, जिसे कि उसके फादर ने एक केस में उसे जेल करवाई थी। और उसके अगले ही सीन में जो जज था वो अपने तीनों सन से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके कार से एक्सीडेंट कब हुआ। और जिसके बाद हैंक अपने फादर से कहता है कि वो उनका केस लड़ेगा, पर जो हैंक के फादर रहते हैं वो उससे मना कर देते हैं, और वो कहते हैं कि वो इंडियाना के किसी और लोकल लॉयर को हायर करेंगे। और इसके बाद हैंक भी कार से उतरकर पैदल ही चल देता है वहाँ से। और उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हैंक और जज हैं यानी हैंक के फादर, वो एक शॉप जाते हैं और एक आदमी से मिलते हैं। वैसे वो आदमी एक लॉयर था, पर उसका मेन बिजनेस वो शॉप थी। और वो जिस आदमी से मिलने जाते हैं उसका नाम सीपी होता है, और वो उन्हें बताता है कि उनके प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है वो डीकम है, जो कि काफ़ी अच्छा लॉयर था। और जो सीपी था वो एक न्यू कमर्स लॉयर था, जिसे कि सारे लोग भी नहीं पता थे। और जिसके बाद हैंक सीपी की केस लड़ने में मदद करता है। और उसके अगले ही सीन में हमें जज यानी हैंक के फादर की पहली हियरिंग दिखाई जाती है कोर्ट में, पर वहाँ पर सीपी हैंक के फादर के केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है, जिसके बाद हैंक फ्रस्ट्रेट होकर उस पर एक कॉपी फेंक देता है, जिसके बाद कोर्ट डिस्टरबेंस के चलते हैंक को कोर्ट से बाहर जाना पड़ता है।
और उसके बाद जो वो केस था वो जज जोसेफ के अगेंस्ट ज़्यादा हो गया था। और उसके अगले दिन जो जज था वो हैंक से बताता है कि अब सीपी उसका केस नहीं लड़ना चाहता। और उसके बाद हैंक दोबारा कहता है कि वो उसका केस लड़ सकता है, जिसके बाद जज मान जाता है। उसके बाद वो दोनों ही उस एक्सीडेंट की लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि वो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो वहाँ पर क्लू ढूंढते हैं जो कि जज को इनोसेंट साबित कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो क्लू ढूंढ ही रहे होते हैं, पर तभी बातों ही बातों में हैंक को पता चल जाता है कि उसके फादर को लास्ट स्टेज कैंसर है। और जिसके बाद हैंक अपने फादर से सजेस्ट करता है कि वो कोर्ट में अगर साबित कर दे कि उसके फादर को लास्ट स्टेज कैंसर है तो उसके फादर को जेल नहीं होगी, पर जज इस आइडिया के लिए साफ मना कर देता है। जिसके बाद हैंक को सी होम टाउन में रहते हुए बहुत टाइम हो गया था, जिसके बाद वो शिकागो जाकर अपनी डॉटर को वहाँ से ले आता है ताकि वो टाउन में अपना वेकेशन मना सके। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो समानता है वो हैंक के साथ डिनर पे आई थी, और तभी समानता बताते हैं कि जो ये होटल है वो उसी का ही है। और वहाँ पर दोबारा से हमें हैंक और समानता की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। और उसके नेक्स्ट डे जो हैंक था वो अपने फादर के डॉक्टर से मिलकर उनकी कंडीशन पूछता है, और उसके बाद डॉक्टर हैंक को बताते हैं कि उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी भी बहुत वीक हो चुकी है। अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उन्हें याद नहीं हो तो उनके केस में ये एक नॉर्मल बात है। और जिसके नेक्स्ट डे की हेयरिंग में जो हैंक है वो अपने स्मार्टनेस के चलते उस केस को अपने फेवर में कर लेता है। और उसके अगले ही सीन में हैंक को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर कि उसे जज यानी उसके फादर की कार दिखाई जाती है जो कि एक शॉप के दौरे खड़ी रहती है। उस शॉप में मार्क और जज दोनों ही रहते हैं। और उसके अगले सीन में भी दिखाया जाता है कि उस सीसीटीवी फुटेज में आगे जो मार्क था वो अपनी बाइक से वहाँ से बाहर निकल जाता है और जज भी उसका पीछा करता है। जिसके बाद जो मार्क का लॉयर था वो हैंक से कहता है कि वो अब उसके फादर को जेल करवा देगा। और उसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है जो हैंक के फादर थे वो उससे नाराज़ इसलिए थी कि वो 30 साल से अपने होम टाउन नहीं आया था और ना ही अपने फादर और मदर से मिला था। और उसके बाद नेक्स्ट डे कोर्ट की अगली हेयरिंग चालू हो जाती है जहाँ पर कि डिकम उस शॉप की फुटेज दिखाता है जहाँ पर कि हैंक के फादर और मार्क दोनों ही शो हो रहे थे उस फुटेज में। और उस वीडियो को देखने के बाद भी जो जज थे उनको उस दिन के इंसिडेंट याद आने लगते हैं और उनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब होने लगती है। और उसके बाद जज को हॉस्पिटल ले आया जाता है, जिसके बाद ट्रीटमेंट के बाद जज को होश आ जाता है वहाँ पर। और उसके बाद जब जोसेफ को होश आ जाता है तो वो हैंक को बताता है कि मार्क को उसने ही मारा है, जिसके बाद हैंक स्माइल कर कर कहता है कि मैं आपको बचा सकता हूँ। और साथ ही हैंक ये भी कहता है कि मैं आपको इस केस में बचा तो सकता हूँ पर आप खुद इस केस को डिफेंड नहीं करना चाहते। उसके बाद अगली हियरिंग में हम देखते हैं कि अपोजिट साइड का लॉयर उससे कुछ क्वेश्चन करता है जहाँ पर कि जो केस था वो हैंक के फादर के फेवर में से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसके बाद हैंक अपने फादर से क्वेश्चन करता है कि उन्हें कोई बीमारी है, पर जो हैंक के फादर थे वे सोचते थे कि अगर वो बताएंगे कि उन्हें पिछले 6 मंथ से कोई बीमारी है और जिस वजह से उनकी जो मेमोरी थी वो वीक थी, इस वजह से उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी जो कि वो चाहते नहीं थे। और उसके बाद जो वहाँ का जज होता है वो उन्हें अगली डेट दे देता है। और उसके अगली हियरिंग में जो जज था वो फैसला सुनाता है कि ये क्लियर है कि जो मार्क था वो जज जोसेफ की कार से मारा गया है, मगर एविडेंस की कमी के चलते ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये मर्डर था या फिर एक्सीडेंट। और उसके चलते जो जज जोसेफ थे उन्हें 4 साल की जेल दी जाती है। और उसे देख कर हैंक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद पुलिस हैंक के फादर को अरेस्ट कर कर वहाँ से ले जाती है। और उसके बाद हमें कुछ महीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो हैंक था वो दोबारा माइक से मिलता है, और वहाँ पर जो माइक था वो हैंक को देखता है कि वो पूरी तरीके से बदल चुका था। पहले जो हैंक था वो उन लोगों का केस डिफेंड करता था जो कि क्रिमिनल थे, पर अब वो बदल चुका है। और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हैंक है वो अपने फादर को कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर निकलवा लेता है, और जिसके बाद हैंक और उसके फादर दोनों ही फिशिंग के लिए जाते हैं। और जहाँ पर कि वो फिशिंग करते हुए हैंक के फादर हैंक को कहते हैं कि वो उसकी नज़र में एक बेस्ट लॉयर है। और वहाँ पर ही हैंक और उसके फादर की कन्वर्सेशन के दौरान हैंक के जो फादर थे उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। और उसके बाद हैंक के फादर का फ्यूनरल होता है, और उस फ्यूनरल में समानता भी आती है और वो हैंक से कहती है कि वो उसी होम टाउन में सेटल हो जाए। और जिसके बाद हैंक स्माइलिंग फेस से वहीं उस होम टाउन में रहने का डिसाइड करता है। और उसके बाद हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जो हैंक है वो उसी लोकल कोर्ट में जाता है और वहाँ पर जज की सीट देखता है जहाँ पर कि उसके फादर बैठा करते थे। और उसके बाद शायद जो हैंक था वही उस लोकल कोर्ट का नया जज था। और यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है।
तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में नई मैं मतलब आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, तो पक्के लिए गुड बाय।